शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनके आसपास सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। इस दौरान सुबह 7 बजे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से करीब 60 सफाई कर्मचारी और 5 ऑटो टिपर के साथ सफाई व्यवस्था की गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री संजय शर्मा ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था सुचारू रखी जाए और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें। वहीं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर के करीब 60 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहाँ अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अड़ीचवाल, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष महेश मीणा, पंडित जले सिंह, राजेंद्र सैनी, पार्षद संध्या मीणा और विष्णु शंकर शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। लगभग प्रतिदिन 7-8 मंदिरों में साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा। ये साफ सफाई का अभियान मंदिरों के आसपास जहां भी जैसे कोई गंदगी है या झाड़ी झुए हैं, वो प्रतिदिन सफाई का कार्य इन मंदिरों के आसपास चलाएंगे, ताकि शहर के जो मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त हैं, उनको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ मंदिरों के आसपास कोई गंदगी है, ये है। और भी आमजन को भी हम प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैं आप जन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसमें अपना योगदान दें। हमारा शहर तभी एक साफ सुथरा स्वच्छ बन पाएगा जब आम जन की भागीदारी उसमें होगी। सरकार अपना कार्य अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसमें जन भागीदारी का होना अति आवश्यक है। आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत इस मोती डूंगरी के मंदिर से आरम्भ की है। उन्होंने सुबह 7 बजे आकर यहाँ जो मंदिर के आसपास जो गंदगी थी और जो सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी वैसी दिख रही थी, उन सबको उन्होंने भी श्रमदान किया, झाड़ू लगाई है और इस अभियान की शुरुआत की है। इसी तरीके से 7-8 मंदिरों में प्रतिदिन साफ सफाई का कार्य निगम की ओर से किया जाएगा।